ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर जो है एक बार फिर से पाकिस्तान ने कायराना हरकत को अंजाम दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन। एक बार फिर से पाकिस्तान ने यह सिद्ध कर दिया है कि वो एक कायर मुल्क है। और जिस तरह से ये जो तस्वीर मैंने आपको बताई, ये तस्वीर जो है पाकिस्तान से एक बार फिर से ड्रोन के ज़रिए हथियारों को जो है भारतीय सीमा में दाखिल करने की जो है नापाक कोशिश की गई। पूरी जानकारी लेंगे। ये जो जानकारी हमारे संवाददाता अनिल जी हैं हमारे फ़ोन लाइन पे। अनिल जी, क्या पूरी जानकारी है, कहाँ से ड्रोन जो है हथियार जो है बरामद हुए हैं, जानकारी दीजिए। मैं आपको बता दूं कि सांबा सेक्टर के रिगाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ के जवानों ने पाकिस्तान की एक नापाक हरकत का पर्दाफाश किया। पाकिस्तान द्वारा ड्रोन के माध्यम से जो कि रिगाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो कि हथियार फेंके गए थे, बीएसएफ के मुस्तैद जवानों की इस पर पूरी नजर थी। जैसे ही ये देखा उसके बाद बीएसएफ के जवानों ने इन हथियारों को अपने कब्जे में ले लिया है। बता दें कि रिगाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अगर बात करें, 5 तारीख को भी इसी तरह का एक मामला जहां पे देखने को मिला था कि घुसपैठ की कोशिश की गई थी, लेकिन बीएसएफ के मुस्तैद जवानों ने उस घुसपैठिए को भी मार गिराया था। लेकिन अगर हम कुछ महीनों पहले की बात करें, इसी रिगाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो कि सुरंग भी एक मिली थी बीएसएफ के जवानों द्वारा, पता लगाया गया था जो आतंकवादी जो कि वन क्रोर टोल प्लाजा पे मारे गए थे वो उसी सुरंग के रास्ते से, लेकिन बीएसएफ के मुस्तैद जवानों द्वारा लगातार पाकिस्तान की हर कोशिश को नाकाम किया जा रहा है। तो अभी कितने हथियार बरामद हुए हैं, ये जानकारी दे सकते हैं? हाँ, बता दो कि AK-47 है और मैगजीन है, एक पिस्टल है उसको मैगजीन और 15 राउंड जो बनाए जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी अभी तक हमारे पास पहुंची है, अभी तक इस पर कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है कि किस तरह से ये हथियार यहाँ पे लाए गए, लेकिन जो सूत्रों के अनुसार जानकारी हमारे पास पहुंच रही है, हमने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जो ये हाल ही में कुछ दिन पहले ग्रेनेड हमले की एक वारदात सामने आई थी, क्या लगता है कि ताल इनके मिलते जुलते हैं या कुछ ये अलग है? बिल्कुल, अभी आपको बता दूं कि इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अभी अधिकारियों द्वारा इस बात की पुष्टि की जाएगी कि ये हथियार कब जो भी गिराए गए थे। लेकिन जैसे ही बीएसएफ की रिसर्च पार्टी द्वारा यहाँ पे तलाशी अभियान जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे चलाया जा रहा था, उसके दौरान जो कि हथियार मिले हैं। तो अभी ये सांबा डिस्ट्रिक्ट में किस इलाके में जो है ये जो हथियार बरामद हुए हैं? ये सांबा सेक्टर के रिगाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो कि वाकई जो कि सामने आया है। चलिए, शुक्रिया। तो सांबा डिस्ट्रिक्ट के रिगाल जो है इलाका, वहां पर जो है आतंकियों ने जो है नापाक हरकत की, यानी कि हथियार जो है ड्रोन के ज़रिए भेजने की कोशिश की। वो मैं जानकारी आपको दे दूं, एक तस्वीर भी जो हमारे पास आई है, वो तस्वीर मैं आपको बताऊं कि ये तस्वीर है, ये तस्वीर आप देख सकते हैं। और AK-47 और पिस्टल भी लगातार एक तरफ जहां पर कोरोना से जंग लड़ रहे हैं हम हिंदुस्तानी, और उस दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान जो है नापाक इरादे लेकर जो है हथियार जो है हिंदुस्तान की सीमाओं में जो है भेज रहा है। आपको क्या लगता है, खबर देख आपने इस कमेंट बॉक्स में रखेगा। तमाम जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरें लेकर मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँगा। आप लोग देखते रहिए जम्मू परिवर्तन। कैमरामैन अभिषेक कुमार के साथ, जय हिंद।